फैमिली कैसे हो यार आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके फैमिली में आपके मम्मी डैडी भी ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपने जो डिमांड किया था उस वीडियो को मैं लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मैं आपके ही सजेस्टेड वीडियो में से ही वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो का लिंक भी मुझे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजा था, तो मैंने सोचा कि हाँ यार इस वीडियो को रिएक्ट करना ही चाहिए क्योंकि इस वीडियो से मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और सच में बताऊँ तो मैं शॉक हूँ यार, कहाँ इंडिया का एक महाराष्ट्र और होल पाकिस्तान को कंपैरिजन का ये वीडियो है। तो आप सोच ही सकते हो कितना अमेजिंग होने वाला ये वीडियो, इंडिया का एक पार्ट को पाकिस्तान पूरे से कंपैरिजन का वीडियो है। तो दोस्तों मेरा नाम सागर, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों हाँ 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करने हैं यार, तो आप लोग करवा दो यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो दोस्तों उस सब्सक्राइब बटन को जल्दी से तोड़ दो भाई और उस घंटे को भी जोर से दबा देना। और दोस्तों हाँ यार मैं नेपाल से हूँ और मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप समझ ही सकते हो हिंदी में वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मैं हिंदी उतना नहीं बोलता, लेकिन आपके लिए हिंदी भी चलेगा यार। तो चलिए दोस्तों आप एडजस्ट कर लेना मेरा हिंदी थोड़ा उटपटांग सा होगा। तो बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार, क्योंकि आप भी मुझे लिंक भेज सकते हो और उसी पर मैं रिएक्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा। एक बार फिर पब्लिक डिमांड पर वीडियो लाइन में डाल दूंगा। इस बार के टॉपिक की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि हमें दूसरे टॉपिक्स को स्किप करके इसको बनाना ही पड़ा। वेल वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दे कि वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करे, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 305 बिलियन डॉलर्स है, वहीं महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी 390 बिलियन डॉलर्स है। बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है, वहीं महाराष्ट्र की 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की 1561 यूएस डॉलर्स है, वहीं महाराष्ट्र की 2500 यूएस डॉलर्स है। दोस्तों पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 210 मिलियंस है, वहीं महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 114.2 मिलियंस है। दोस्तों अब एरिया की बात करते हैं। पाकिस्तान का एरिया 881,913 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं महाराष्ट्र का एरिया 307,713 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों रिलीजन की बात करते हैं। पाकिस्तान में 97% मुस्लिम्स, 1.8% क्रिश्चियंस और 1.2% सिख, हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 79.8% हिंदू, 11.5% मुस्लिम्स, 5.8% बुद्धिस्ट, 1.2% जैन, 1% क्रिश्चियंस, 0.2% सिख और दूसरे माइनॉरिटीज शामिल है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो पाकिस्तान में 48% पंजाबी, 12% सिंधी, 10% सराइकी, 8% पाश्तो, 8% उर्दू, 3% बलूची, 2% हिंदको और बाकी 9% दूसरी जबानें बोली जाती है। वहीं महाराष्ट्र में 68.93% मराठी, 12.89% हिंदी, 6.71% उर्दू, 2.11% गुजराती, 1.18% तेलुगु और 8.18% दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती है। दोस्तों लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो पाकिस्तान में 58% है, वहीं महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 83.2% है। चलिए दोस्तों अब कुछ फेमस सिटीज की बात करते हैं। पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा, गुजरनवाला और हैदराबाद शामिल है। वही महाराष्ट्र के टॉप 10 सिटीज में मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद,
वसाई विरार, सोलापुर, अमरावती, कोल्हापुर और थाने शामिल है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। पाकिस्तान में आपको सीख कबाब, हलवा पूरी, मटन और चिकन बिरयानी, लस्सी, रायता, चिकन कढ़ाई, आलू गोश्त, साई भाजी, निहारी, कड़ी, हलीम, बीफ कोफ्ता, कीमा, चिकन कोरमा, पाया, बटर चिकन, सेवैया और कश्मीरी चाय पीने को मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो पाव भाजी, वड़ा पाव, पुरन पोली, मिसाल पाव, मोदक, रगड़ा पेटिस, श्रीखंड, पोहा, साबूदाना खिचड़ी, रसा, सोल कड़ी, पिठला भकरी, महाराष्ट्रीयन दाल आमती, भेल पूरी, बसुंदी, आम रस, कड़ी, चिकन कोल्हापुरी और आलू वड़ी खाने को मिल सकती है। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी किसी भी देश या स्टेट के लोगों का डेवलपमेंट यानी विकास नापने का एक इंडेक्स होता है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटल जीडीपी के जरिए नापते हैं। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान का 0.562 लेवल है, वही महाराष्ट्र का 0.683 लेवल है। बता दें कि भारत में सबसे कम इंडेक्स बिहार का 0.561 है, जो कि पाकिस्तान के बराबर है। दोस्तों, फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है उसके बारे में बताए तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट 2.68 चिल्ड्रन पर वुमेन है, वही महाराष्ट्र में 1.79 चिल्ड्रन पर वुमेन है। दोस्तों, अब थोड़ी गरीबी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 29.5% है, यानी 29.5% पाकिस्तानी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं महाराष्ट्र में पॉवर्टी रेट 17.35% है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में औसतन एक व्यक्ति 67.7 साल जीता है, वहीं महाराष्ट्र में 67.2 साल जीता है। फेस्टिवल्स की बात करें तो पाकिस्तान में ईद उल फितर, ईद उल अधा, शबे बारात, ईद मिलादुन नबी शानदार तरीके से मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, नारली पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा और पोला धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों की जिनकी जड़ें इन दोनों जगहों से जुड़ी है। इनमें से पाकिस्तान से सिंगर्स में नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अबीदा परवीन, गुलाम अली, शफकत अमानत अली और मेहदी हसन शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से सिंगर्स में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरेश वडकर, शालमली खोलगडे, वैशाली समंत और अजय अतुल शामिल है। पाकिस्तान से पॉलिटिक्स में इमरान खान, नवाज शरीफ, पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद जियाल हक शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से पॉलिटिक्स में बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, बाल गंगाधर तिलक, शरद पवार, विलासराव देशमुख, नितिन गडकरी और शिवराज पाटिल शामिल है। पाकिस्तान से स्पोर्ट्स में जहांगीर खान, सुहेल अब्बास, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, अब्दुल खालिक, समयउल्ला खान, शाहिद अफरीदी, जनशेर खान शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से स्पोर्ट्स में धनराज पिल्ले, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, खाशबा दादा साहेब जाधव और जहीर खान शामिल है। फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ एक्टर्स में पाकिस्तान से फवाद खान, महिरा खान, अली जफर,
सबा कमर, इमरान अब्बास, हुमायूं सईद, जावेद शेख, हमजा अब्बासी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, माधुरी दीक्षित, ममता कुलकर्णी, नूतन, मीना कुमारी, राधिका आप्टे, श्रद्धा कपूर, सोनाली बेंद्रे, उर्मिला मातोंडकर, गोविंदा शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड का 2017 में ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 280 करोड़ भारतीय रुपए हुआ था। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित बॉलीवुड इंडस्ट्री का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 17,500 करोड़ रुपए हुआ था। चलिए दोस्तों, अब आपको इन दोनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैनल इरिगेशन सिस्टम है। पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ एक अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेली गई बॉल पाकिस्तान के सियालकोट में बनी थी। बता दे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथों से बनी हुई फुटबॉल पाकिस्तान में ही बनती है। दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से ही है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में ही है। इसे इधी फाउंडेशन चलाती है। बता दे कि अब्दुल सत्तार इधी इस फाउंडेशन को चलाते हैं। इस एम्बुलेंस नेटवर्क को प्रसिद्ध गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 1956 तक क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पाकिस्तान की क्वीन ऑफ पाकिस्तान कहलाती थी। शुगर कैन जूस पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई की लोकल ट्रेन में डेली 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं, जो कि इजराइल की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। भारत में नेवी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शिवाजी महाराज ने ही दिया था। उनके एडमिरल कन्होजी आंगरे को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। नवी मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी प्लान सिटी है, जिसको मुंबई की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोनार लेक सेलाइन और एल्कलाइन दोनों नेचर की लेक है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह लेक 52,000 ईयर्स पहले एक मीटियोर के टकराने के बाद बनी थी। अगर महाराष्ट्र एक कंट्री होता तो महाराष्ट्र की जीडीपी दुनिया की 30वीं यानी 30th सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, जो यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, इजराइल, मलेशिया, कतर जैसे देशों से भी आगे है। चलिए दोस्तों, अब कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। पाकिस्तान में आप लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क, शीश महल, फैसल मॉस्क, मोहनजोदारो, रोहतास फोर्ट, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, मीनारे पाकिस्तान, दामने को, मोहट्टा पैलेस म्यूजियम, मरगला हिल्स, रावल लेक, हिरन मीनार, बहरिया टाउन, लेक व्यू पार्क, इकबाल पार्क, पट्रियटा, लोक विरसा म्यूजियम जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में आप अजंता एंड एलोरा केव्स, लोनावला, महाबलेश्वर, पंचगनी, शिरडी, गेटवे ऑफ इंडिया, सिंहगढ़, बीबी का मकबरा, कन्हेरी केव्स, एडलब्स इमेजिका, एसएल वर्ल्ड, शनिवार वड़ा, सिद्धिविनायक टेंपल, हजी अली दरगाह, आगा खान पैलेस, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, त्रिम्बकेश्वर शिवा टेंपल, हैंगिंग गार्डन्स, करला केव्स जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा, महाराष्ट्र या फिर पाकिस्तान, कमेंट में जरूर बताएं। अगर और भी किसी दो टॉपिक्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो जैसे कि आपने देखा, वीडियो खत्म भी हो चुका है और वीडियो थोड़ा लंबा था, बहुत ही लंबा था यार। होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में बात की गई थी घूमने की जगह की और खाने की जगह की बात की गई थी। तो आप सभी को पता है, एक कंट्री का हर एक
जगह का हर एक अपना अपना डिफरेंट क्वालिटी होता है, डिफरेंट डिफरेंट खासियत होता है। और मैं ये दोनों जगह पर नहीं गया, महाराष्ट्र पर भी नहीं गया क्योंकि मैं नेपाल से हूँ, और पाकिस्तान में भी नहीं गया, तो मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ यार कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। जब मैं जाऊँगा ना वहाँ पर घूमने तब आपको मैं एक ब्लॉग बनाकर दिखा दूंगा कि इस जगह पर जाइए महाराष्ट्र अच्छा है, ये जगह पर जाइए पाकिस्तान अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा है महाराष्ट्र का या पाकिस्तान का खाना अच्छा है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि अपना अपना जगह का एक खासियत होता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का घूमने की जगह भी अच्छा होगा और इंडिया की घूमने की जगह भी अच्छा होगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट की, जीडीपी की, और जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो लोग कितने शिक्षित है, कितने लोग वहाँ का स्टडी कर रहे हैं। तो मैं ये देखकर ना शॉक रह गया था कि अरे यार होल कंट्री को एक महाराष्ट्र से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र उनको पीछे छोड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ के महाराष्ट्र पूरा आगे दौड़ रहा है। तो ये सोचने की बात है। और महाराष्ट्र एक डिफरेंट कंट्री होता, इंडिया का पार्ट नहीं होता, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता ऐसा बोल रहा है। तो ऑब्वियसली यार इतना इतना क्या ही बताऊँ यार। तो यही बात से मुझे अचंभित पार दिया कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन इतना पाकिस्तान का पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान महाराष्ट्र से जो लैंड है उससे में भी, उसमें लैंड जो है महाराष्ट्र का उससे बड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक होल कंट्री है और जो महाराष्ट्र है वो एक पार्ट है इंडिया का। तो ऑब्वियसली लैंड में और पॉपुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा 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 नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोग शिक्षित है ना, जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग गरीब है ना उससे कम ही लोग महाराष्ट्र में गरीब है। तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में बहुत बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है यार। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ना इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। और बहुत सारे बातों पर कंपैरिजन किया गया था इस वीडियो पर, सिंगर पे भी कंपैरिजन किया गया था। और मैं सिंगर की बात करूँ तो मुझे पाकिस्तान का सिंगर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ राहत फ़तेह अली खान था और जो आतिफ असलम था ये मुझे थोड़ा पसंद है। लेकिन इंडिया का सिंगर भी एक मुझे पसंद था, इन सब में से एक सिंगर वो था जो मुझे पसंद था, वहाँ पर लता मंगेशकर था, इसका गाना मेरे पापा लोग सुनते थे, तो मुझे ये सिंगर का नाम पता था, तो ये सिंगर मुझे पता है। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के सिंगर ही थे ऐसा मैंने सुना था महाराष्ट्र के मुकाबले, लेकिन होल इंडिया के मैं ये बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र के सिंगर और पाकिस्तान के सिंगर की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सिंगर के मुकाबले में आगे है, बाकी सब चीज़ में यार मैं तो क्या ही बताऊँ यार, क्या ही सब चीज़ में ही आगे है यार महाराष्ट्र, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि नीचे, सिर्फ पॉपुलेशन में थोड़ा सा कम है और सिर्फ वो जो होता है ना लैंड में उतना में ही कम है, लेकिन सारे चीज़ में पाकिस्तान यहाँ पर है ना, तो महाराष्ट्र यहाँ पर ऐसा जा रहा है। ये देखकर शौक का शौक रह गया, आपको भी ये पहली बात पता चला होगा तो आप भी शौक हो गए होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, हाँ यार वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उसके लिए दिल से सॉरी यार। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और घर में रहना, घर से कहीं मत जाना प्लीज़ यार।